Hey guys, welcome back to my channel and आज है 26 जैन and happy Republic Day to all of you. आज का जो मेरा वीडियो है वो Republic Day से related ही होने वाला है guys, लेकिन उसके पहले मैं हूँ तनुश्री and welcome back to my channel Fashion Lover तनुश्री. And आज हम जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा unique है, मतलब ऐसी type की videos आपको YouTube में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा different way पे करने की कोशिश करूँगी और मेरी तरफ से यही एक छोटा सा respect, छोटा सा ट्रिब्यूट होगा. आज रिपब्लिक डे है, उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में जितनी भी सारी, मैं बचपन से ही फ्लैग ड्राइंग करना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर आज का वीडियो बनाया जाए. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लैग ड्राॅइंग, यानी कि इंडियन फ्लैग में ड्रॉ करने वाली हूँ, लेकिन पेन पेपर के साथ, पेज पर नहीं करूँगी मैं, मतलब पेपर पर नहीं करूँगी मैं, करने वाली हूँ मेरी आई लिड पे इंडियन फ्लैग ड्रॉ करने वाली हूँ. एंड वो भी करने वाली हूँ मैं मेकअप की हेल्प से, बिकॉज मेरी चैनल जो है वो मेकअप रिलेटेड चैनल है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को मिला के, यानी कि इंडियन फ्लैग भी ड्रॉ किया जाए और वो भी किया जाए मेकअप की हेल्प से. तो वही मैं आज करने वाली हूँ गाइस. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं वो कैसे करती हूँ और मैं वो पूरा कर पाती हूँ भी या नहीं, तो आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा मेरे साथ. लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और उसका जो हैंडल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. और गाइज, आपको वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे बोल के मैं वीडियो में जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद शायद मैं बात नहीं करूँगी, वॉइस ओवर कर लूँगी. सो आप लोग वीडियो इन्जॉय कीजिए एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. ये मेकअप लुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ये इंडियन फ्लैग है, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इंडियन फ्लैग को अच्छे से कर पाऊँ. एंड आई डोंट नो कि कैसा बनेगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, और मैंने यहाँ पे एडीएस का कंसीलर अप्लाई किया है. मैं अपनी आईलिड्स पे अपनी आईब्रोज के एकदम करीब करीब एवं एंड अपनी अंडर आईज पे अच्छी तरीके से कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी. इसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. देन मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी आई लिड्स को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना रहे. देन मैं धीरे धीरे अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी, और मैं यहाँ पे म्यूज़िक फ्लावर का डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी. देन मैंने यहाँ पे लिया है एडीएस का मेकअप किट, और वहाँ से मैंने सबसे पहले अपनी इनर आई के पास अप्लाई किया है सैफ्रन कलर, यानी कि ब्राउन, थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर, जैसा कि इंडियन फ्लैग में होता है वैसे कलर मैंने अप्लाई किया है. और मैं फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ईजिली अप्लाई हो जाता है फिंगर की हेल्प से, तो मैं फिंगर की हेल्प से अपनी इनर आई कॉर्नर पर सैफ्रन कलर को अप्लाई कर रही हूँ. देन मैंने लिया है एक दूसरा एडीएस का मेकअप किट, और उनमें से मैं वाइट कलर को यूज़ करूँगी अपनी मिड आई लिड पे. मैं पहले ब्रश से अप्लाई कर रही थी, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो रहा था फिंगर की हेल्प से, तो मैं देन फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हो. अब बारी है ग्रीन कलर को अप्लाई करने की. अब मैं अपनी आईलिड्स की आउटर कॉर्नर पे ग्रीन कलर को अप्लाई कर रही हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हो. यहाँ पे मैं ब्रश को ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम था और मुझे थोड़ा शार्प एज भी दिखाना है, तो मैं ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ.
तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन कलर का काजल, और आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ा सा अपनी जो आई लैशेस है वहाँ से इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हुए अपनी आउटर वी की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा सा अपनी स्पेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं कार्ड क्रिस की तरह इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ ताकि ग्रीन कलर जो है वो अच्छी तरीके से दिखे। अब एक ब्रश की हेल्प से मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं सेम ग्रीन कलर के काजल को अपनी लोअर वाटर लाइन पे हल्का करके अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी लोअर वाटर लाइन की थोड़ा सा नीचे की तरफ अप्लाई कर रही हूँ सेम सैफ्रन कलर। ये वाला जो आई लुक है गाइस, आप लोग अच्छी तरीके से इसको कैरी कर सकते हो। अगर आप आज के दिन पे कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हो, कोई भी फंक्शन में जा रहे हो, कोई भी प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह कहीं पे जा रहे हो, या 15 अगस्त कहीं पे जाओगी, तो ऐसी टाइप की आई लुक को आप लोग कैरी कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, और मैंने यहाँ पे ब्लूइश पर्पल कलर का आई लाइनर से इसको किया है। मैं पहले काजल से ट्राई कर रही थी, आप लोगों ने देखा, पर उससे अच्छा नहीं हो रहा था। सो नाउ अब मेरा जो इंडियन फ्लैग है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और मैं फ्लैग अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाई या नहीं।